हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, 10 टेस्ट ट्रायल के बारे में बताएंगे। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब पेनिस इरेक्टाइल नहीं कर पाता है, उसके लिए ये कैप्सूल यूज किया जाता है। इसके लिए और भी बहुत सारे टेबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, जो फार्मा कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें से एक ये भी है, 10 टेक्सट्रायल। और सिल्डेनाफिल सिट्रेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो मेन फोर्स के नाम से आता है, बियाग्रा के नाम से आता है। तो ये जो है इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करता है, कितना डोज में लेना चाहिए और कितना टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसको लेना चाहिए और उसके कितने फायदे हैं, ठीक है, और इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो आज हम मोस्टली देखेंगे 10 टेक्सट्रायल के बारे में। 10 टेक्सट्रायल ये मेनली अपना हिमालय कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो 1930 ईस्वी से हिमालय कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट को क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसमें से हिमालय कंपनी जो है बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए टेबलेट कैप्सूल बनाती है, जिसमें से एक 10 टेक्सट्रायल भी है। 10 टेक्सट फोर्ट के नाम से भी आता है, कन्फिडो के भी नाम से आता है, एसपीमैन के नाम से भी आता है। तो इसमें हम अलग अलग वीडियो में एक एक सबका अलग अलग फ़ायदे देखेंगे, बट इसमें जो है हम फर्स्टली देखेंगे 10 टेक्सट्रायल के बारे में कि 10 टेक्सट्रायल में कम्बिनेशन क्या है और इसको कैसे हम लेते हैं। तो 10 टेक्सट्रायल जो है ये 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है, जिसमें 10 कैप्सूल्स होते हैं। 145 रुपीज इसका MRP है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दें, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिमालय कंपनी करती है और ये जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करता है, ट्रीट करता है। इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या है ये हम बताएंगे। पहला कॉम्बिनेशन इसमें है गोखरू का यूजफुल इसमें क्या है, पहला चीज़ ये सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, ओके। और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, बूस्ट करता है। और एक चीज़ और इसका यूज है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। जब इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट होगा तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट होगा तो उसमें स्पर्म का लेवल बढ़ेगा, तो हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो जाएगा। इसमें दूसरा है कोकलुक्षा, पहले हमने बताया था गोकरू, दूसरा है कोकलुक्षा। कोकलुक्षा के यूज इसमें क्या है, कोकलुक्षा जो है ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। जो सीमेन वेस्कुल होता है, सीमेन वेस्कुल में जो सीमेन होते हैं उसको क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो सीमेन होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसका एक काम है। इसका एक और काम है कि ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट इसमें बथेड़ा, जिसको हम चोक चाइना के नाम से जानते हैं, इसमें बथेड़ा भी है जो चोक चाइना के नाम से जानते हैं। इसका यूज इसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए किया गया है, ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कॉन्स्टिपेशन क्योर करता है और आर्थराइटिस भी क्योर करता है, ट्रीट करता है। किसी पर्सन को अगर आर्थराइटिस हुआ है उस कंडीशन में भी हम 10 टेक्सट्रायल दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये इम्यून बूस्ट भी करता है। तो इसमें इसका 4 यूज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सोनिक्षा नाग का यूज क्या है। इसमें इसका यूज ये है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, पहली चीज। दूसरा चीज ये क्या करता है, यूटीआई इन्फेक्शन किसी को हुआ रहता है, एक चीज़ बता दें, किसी को यूटीआई इन्फेक्शन या यूटीआई से रिलेटेड जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ रहता है उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। तो 10 टेक्सट्रायल के बहुत सारे यूज है और इसमें जो हमने अभी बताया था कि इसमें ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका यूज क्या कर रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी किया जा रहा है। अब इसका नेक्स्ट कुमकुम को हम केसर बोलते हैं, ठीक है। केसर का यूज आप लोग जानते हैं, किसी को कन्वर्जन हुआ है तो उस कंडीशन में भी केसर हम दे रहे हैं, दूध के साथ या फिर ऐसे भी
अक्सर केसर को दूध के साथ ही लिया जाता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमों को क्योर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, उसके साथ साथ ये आर्थराइटिस को भी क्योर करता है। और एक चीज़ और बता दें, जो केसर है ये हम अगर ले रहे हैं तो ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है। अगर किसी को स्वेलिंग या दिक्कत आ रही है, हमने बताया था ना आर्थराइटिस में काम कर रहा है, तो आर्थराइटिस में काम कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेशन का भी क्योर कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो एजेंट्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, क्योर कर रहा है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है मुसली। मुसली का यूज हम देखेंगे। मुसली क्या करता है, ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, और एडिमा, जो एडिमा होता है ना, सॉरी ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब जो मोटा आदमी हो जाता है, मोटापा ज़्यादा हो जाता है, उसको ये क्या करता है, ट्रीट करता है, और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। अब नेक्स्ट हमारा है नागबली। नागबली को हम पान कहते हैं। पान का यूज कंस्टिपेशन में किया जाता है, अस्थमा में किया जाता है, और अर्थराइटिस में भी किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये खांसी में भी किया जा रहा है, कफ में। तो इसमें ये सारे कॉम्बिनेशन है, गोखरू है, कोकलेक्सा है, तो ये सारे क्या है, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है जो हमारे सेक्सुअल पावर को बूस्ट कर रहे हैं और स्पर्म काउंट को बढ़ा रहे हैं, और इसमें क्या है कि इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होगा, दूर होगा। अब एक चीज़ बता दें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दूर होगा, उससे पहले हम बताएं कि अगर आपको इस कैप्सूल को लेना है तो शाम को 2 कैप्सूल दूध के साथ ले सकते हैं रेगुलर 1 मंथ तक, या फिर इसे लेने से पहले आप किसी डॉक्टर या फिजिशियन या फार्मासिस्ट से सलाह लें तब उसको लें। और एक चीज़ और बताएं कि ड्रग काफ़ी इंट्रेक्टिव भी होता है, कोई ड्रग किसी के साथ इंट्रेक्ट कर जाता है, तो सबसे पहले बताएं कि अगर इस ड्रग को खा रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी ड्रग खा रहे हैं, तो इसमें गैप रखें 2 घंटे 3 घंटे का। उसके साथ साथ एक और बताएं कि ये अगर फर्स्ट डे आप यूज कर रहे हैं तो इसको क्या करें, पहले 1 कैप्सूल खाएं, 1 कैप्सूल खा के टेस्ट करें, चेक करें कि कोई ड्रग तो इंट्रेक्शन तो नहीं कर रहा है, जब इंट्रेक्शन ना करे तब 2 कैप्सूल डेली शाम को खाएं। अब हम इसका साइड इफेक्ट बता दें, तो इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सिल्डेनेफिल सिट्रेट जो मेन फोर्स के नाम से आता है, ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करता है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये इसका क्या साइड इफेक्ट है और कितने यूजफुल है।